Hey you all, I hope you all are doing great. तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही डिफरेंट एंड स्पेशल, बिकॉज आज मैं यूज करने वाली हूँ मिट्टी जो हम सबके घर में अवेलेबल होती है ना, और इसी मिट्टी को यूज करके हम बनाएंगे बिल्कुल स्टोन लुकिंग DIYs जिससे हम अपने वॉशरूम को डेकोरेट करेंगे. सो इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स बिगिन द वीडियो. तो सबसे पहले हमें चाहिए इसके लिए मिट्टी. उसके लिए मैंने बाहर से ये ड्राई सॉइल ली है. आपको इसमें वेट सॉइल नहीं लेना है. और आप देखिए इसे अच्छे से छान लीजिए एंड इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस. अब इसको हमें क्या करना है, कंटेनर में डालना है और इसका अच्छे से कलर हमें बनाना है. तो देख लीजिए बीच में पत्थर वगैरह ना रहे. कंटेनर में डालने के बाद इसके अंदर हम गोइंग टू मिक्स ग्लू. ग्लू में आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं. मैंने यहाँ पर फेविकॉल लिया है जो कि चीप एंड बेस्ट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता है. एंड नाउ हियर यू कैन सी कंसिस्टेंसी इज लिटिल थिक, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी मिला लिया है. नाउ आई एम गोना चेक द कलर. मुझे कलर कुछ खास लगा नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे डार्क लगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया है. कलर आप अपनी चॉइस का इसमें मिक्स कर सकते हैं. मैंने इसे हल्का सा ग्रेज कलर का बनाया है. नाउ यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस कलर इज लुकिंग. सो आफ्टर इट्स कम्प्लीटली ड्राइड, सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग, राइट? बट इसके ऊपर मुझे थोड़ा खाली सा लग रहा था, तो इससे हम बनाएंगे एम्बेलिशमेंट. तो मेरे पास कुछ इस तरह की मोल्ड है, उनसे मैंने ये शिल्पकार क्ले लेकर बनाया है. जब भी हम शिल्पकार क्ले से एम्बेलिशमेंट्स बनाते हैं, आप देखिए प्रोसेस मैं कैसे कर रही हूँ. मैंने इसे अच्छे से फ्लैट कर लिया है और फिर इसको मैंने अराउंड 5-10 मिनट के लिए छोड़ा और फिर मैंने इसे निकाल दिया. हमें ये गीला ही चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जो हमारी बॉटल है वो थोड़ी सी कर्व्ड है, राइट? स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ ग्लू से इसे स्टिक कर लिया है. सो वंस इट इज कम्प्लीटली ड्राइड, वी आर गोइंग टू कलर इट विद डिफरेंट कलर्स. बेस काफ़ी अच्छा लग रहा है. इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लिए हैं, सारे चॉक पेंस ही लिए हैं. कुछ ब्लू है, ग्रे है और साथ में ब्राउन लिया है. और आपका जो ब्रश है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए ताकि आपको ये वाला पैटर्न अचीव हो. फ्लैट ब्रश होगा ना तो ये वाला पैटर्न आपको अचीव नहीं होगा. यहाँ मैं हल्का सा रस्टिक वाला लुक देना चाह रही हूँ इसको. चॉक पेंट का क्या होता है, वो जब सूख जाते हैं तो वो एक शेड लाइट हो जाते हैं. तो एक बार हमारा बेस हो जाता है रेडी, फिर जो ऊपर हमारा एम्बेलिशमेंट है उसको भी मैंने गोल्ड कलर कर लिया है. जो पंप है उसको भी गोल्ड कलर कर लिया है. और इसको सील करने के लिए, वाटरप्रूफ बनाने के लिए, हियर आई एम यूजिंग वार्निश. दिस इज फ्रॉम इट्सी बिट्सी. यूज माई कूपन कोड Kanchan5 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड सी हाउ स्टर्डी एंड इट्स नॉट गोना गो एनीवेयर. पानी वानी लगाने से भी इसे कुछ नहीं होगा. डू ट्राई एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट. नेक्स्ट DIY के लिए मैं लेने वाली हूँ ये प्लास्टिक कंटेनर. अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं टॉयलेट रोल. काफ़ी बार क्या होता है, वॉशरूम में बच्चे गीला कर देते हैं. दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन यू नो सिक्योर इट. इसके ऊपर का जो लिड है इसको हम इस तरह से कुछ कट कर लेंगे और फिर इसमें भी हम कलर कर देंगे. जो हमारा सॉइल कलर है, यू कैन सी कितना ब्यूटिफुली ये दिख रहा है. ये जैसा दिखता है ना, इससे थोड़ा सा और ये एक शेड लाइट हो जाता है. तो एक बार हम बेस और लिड दोनों को कलर कर लेंगे. कलर करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम रॉक सॉलिड है ये. और अगर आप इसे निकालना भी चाहेंगे ना नेल से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा. अब हम इसको कलर करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर से. सेम ही कलर में अचीव करूँगी तीनों ही DIYs में. थोड़ा सा ब्लू हम लेंगे, थोड़ा ब्राउन लेंगे, थोड़ा ग्रे कलर लेंगे. चॉक पेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो कलर होता है उससे एक शेड डाउन होते हैं. एक्रेलिक कलर होते हैं वो एज इट इज़ ही दिखते हैं और एज इट इज़ ही ड्राई होकर भी वो नज़र आते हैं. उसके बाद हम इसके लिड को कलर करेंगे. लिड को भी मैं गोल्ड कलर करूँगी. इसको भी हम हल्का सा थोड़ा थोड़ा करेंगे सो दैट इट गिव्स एन एज्ड लुक. तो लिड हो जाता है रेडी और फिर हम इसके बीच में लगाएंगे एम्बेलिशमेंट. एम्बेलिशमेंट के लिए अगेन आई एम टेकिंग दिस सिलिकॉन मोल्ड. ऐसे मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे मैंने इकट्ठा कर रखे हैं जहाँ से भी मुझे अच्छे अच्छे मिलते हैं. दिस पर्टिकुलर वन इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. और इसके अंदर भी मैंने हॉट ग्लू गन से ही एम्बेलिशमेंट बनाया है. दिस इज़ सो ईजी टू मेक. अगर आपको ये वाला आइडिया पसंद आता है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और इसको भी हम गोल्ड कलर कर लेंगे. जो भी आपके पास कलर अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं. तो एक बार एम्बेलिशमेंट को हमने कलर कर दिया. लुक हाउ ब्यूटीफुल एंड क्लासी दिस इज लुकिंग. एंड जस्ट बाय एडिंग वन एम्बेलिशमेंट दिस बोरिंग सब बॉक्स इज लुकिंग नाउ सो प्रिटी एंड सो क्लासिक. और इसको वाटरप्रूफ और सील करने के लिए मैंने लिया है यहाँ वार्निश. एंड दैट्स इट, बस इतना ही करना है. डू लेट मी नो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा. What are you doing? Very good.
लास्ट वन के लिए मैं लेने वाली हूँ ये सर्फ एक्सेल की बॉटल, और इसका हम सबसे पहले रैपर निकाल देंगे और इसको मैं हाफ कट करूंगी। नीचे वाले पार्ट को मैं यूज करूंगी टूथपेस्ट और ब्रश के लिए, और इस पे भी हम सबसे पहले लगा लेंगे हमारा बेस। इसको अच्छे से लगा लिया है हमने, उसके बाद इसको सूखने दीजिए। देन वी आर गोइंग टू कलर इट। सेम मैं लेने वाली हूँ कलर, इसमें 3-4, एक ब्लू लेंगे, थोड़ा ग्रे लेंगे, थोड़ा ब्राउन लेंगे, और फिर हम इसको अच्छे से कलर कर देंगे। एंड देन आई एम गोइंग टू टेक अ सिलिकॉन मोल्ड। इसमें मैं हॉट ग्लू गन से एक एम्बेलिशमेंट बनाऊंगी। ये वाला पार्ट आप कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं, बट इफ़ यू हैव दीज थिंग्स यू कैन डेफिनेटली मेक इट, बहुत अच्छा दिखता है। और ये एम्बेलिशमेंट बनाना बहुत ईजी भी है। आफ्टर लाइक 10 मिनट्स इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। अब जितने भी इसके एजेस वगैरह हैं ना, इनको आप अच्छे से कट कर लीजिए, एंड देन वी आर गोइंग टू कलर इट विद अ गोल्ड कलर। सो एम्बेलिशमेंट कुछ ऐसा दिखेगा, काफ़ी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है, राइट? और उसके बाद हम इस पर हॉट ग्लू गन से इसको अच्छे से स्टिक कर देंगे, और ये बिल्कुल नहीं करने वाले बिकॉज हॉट ग्लू गन इसमें काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाएगी। ऊपर हल्का सा गोल्ड कलर लगा लेंगे टू फिनिश आर प्रोडक्ट। लास्ट में इसको वाटरप्रूफ करने के लिए हम लगाएंगे वार्निश, एंड दैट इज इट। दिस इज हाउ आर ब्यूटीफुल 3 projects आर गोइंग टू लुक। और इस तरह से बिल्कुल मिनिमम खर्चे के साथ हम अपने वॉशरूम को डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लासी लुक दे सकते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, मिट्टी से कलर बनाते हैं, डू शेयर द पिक्चर्स विद मी एंड लेट मी नो आपको ये आइडिया कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, डू सब्सक्राइब, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।